पहाड़ों की ऊंचाई और जंगलों की गहराई जो हमारे संघर्ष और साहस की कहानियां सुनाती है। आज इन्हीं कहानियों का जश्न है। भारत आदिवासी पार्टी का आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जो पार्टी के पदाधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं और हर उस आमजन को बधाई दे रहा है जो इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। पिछले एक साल में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और अब यह तीसरा बड़ा दल बनकर सबके सामने उभर कर आया है। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी ने एकजुटता और संघर्ष का संकल्प लेते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने की कसम खाई। आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को संबोधित करते हुए पार्टी ने इस बात पर जोर दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ें। दशकों से हमारी पार्टी दूसरों के सहारों पर लड़ती हुई आ रही थी, लेकिन हमारी समस्याओं और हमारी आवाज को वहां मान्यता कभी नहीं मिली, जिसके हम पूरे तरह से हकदार थे। और आज बीजेपी को नई दिशा में कदम बढ़ाने का आह्वान कर डाला है। साथ ही पार्टी ने इस बात पर जोर डाला है कि कैसे आदिवासी समाज ने अन्य पार्टियों के मंच पर जाकर अपनी समस्याओं को उठाया, लेकिन परिणाम स्वरूप उनकी पहचान और उनके संशोधन की अनदेखी की गई। अब समय आ गया है कि हम अपनी पहचान और सम्मान को कैसे वापस हासिल करें और दूसरों की पार्टी की गुलामी छोड़कर अपने समाज के लिए खुद लड़ें। 10 सितंबर साल 2023 के वो तारीख जिस दिन भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान के अंदर हुकार भरी, और आज साल 2024 के अंदर 10 सितंबर के दिन आज एक साल पूरा भारत आदिवासी पार्टी को राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी हो चुका है। आज पार्टी का स्थापना दिवस लाभ लश्कर के साथ राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है, और आज राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी को तीसरे मोर्चे की तौर पर ठेका जा रहा है, क्योंकि आज पार्टी के पास खुद का एक सांसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि लोकसभा के अंदर खुद पार्टी के जो सुप्रीमो हैं राजकुमार रोत वो खुद है, और पार्टी के पास आज राजस्थान में 3 विधायक और मध्य प्रदेश के अंदर 1 खुद का विधायक है। ऐसे में भारत आदिवासी पार्टी का बढ़ता कद लगातार राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में आदिवासी समाज के लिए लगातार भारत आदिवासी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर एक सशक्त संगठन का निर्माण करें जो आदिवासी समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाएगा और उन्हें हक दिलाएगा। बीजेपी ने यह भी कहा है कि अब जयपुर, जोधपुर, भोपाल, गांधीनगर या दिल्ली की ओर नहीं, बल्कि अपने गाँव, अपने जमीन और अपने अधिकारों की ओर कदम बढ़ाने का बड़ा समय है। भारत आदिवासी पार्टी ने इस स्थापना दिवस पर समाज के सभी सदस्यों को एकजुट होकर एक नई शुरुआत करने का आह्वान कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हमें किसी और से समर्थन या टिकट की जरूरत नहीं, हमारी ताकत हमारे समाज की एकजुटता में है, और आज का दिन केवल राजनीतिक पार्टी का उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और संघर्ष की पुनरावृत्ति का बड़ा प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।